एक पूरी हम लोगों ने टीम इसके लिए गठित की है। इसकी पहली मीटिंग अभी 28 तारीख को होने वाली है। हम लोगों ने कुछ चीजें इसके लिए चिन्हित किया है, क्योंकि तो पूरे देश से सैलानी आएंगे। एक तो हम लोग अगले 15-20 दिनों में इंटरनेशनल डिसऑर्डर्स पर एक हम लोग ट्रेनिंग वर्कशॉप रख रहे हैं कि जैसे विभिन्न देशों की विभिन्न बीमारियां होती हैं, उसके लिए हमारी 3 डॉक्टरों की एक पैनल टीम रहेगी जो इसकी तैयारी में रहेगी। 2 डेडिकेटेड हमने रूम रखवा दिए हैं इंटरनेशनल गेस्ट के लिए अपने प्राइवेट वार्ड में। और मैं ये अनुरोध करूंगा अपने प्रशासन से कि इन लोगों के लिए जो कुछ अगर हमें दवाई वगैरह है तो अगर हम इसको फ्री कर सके तो अतिथि देवो भव का भाव भी आएगा। देखिए, हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर्स ऐसे हैं जो लोग विभिन्न देशों में कार्य करके यहाँ आए हैं। कुछ लोग मिडिल ईस्ट में कार्य करके आए हैं, कुछ लोग यूरोप में, कुछ लोग अमेरिका में, कुछ न्यूजीलैंड में, तो काफी लोग का इंटरनेशनल एक्सपोजर है। हम उन डॉक्टर्स की पैनल टीम बना रहे हैं और मेडिकल अफसर की टीम बना रहे हैं, जिससे बराबर हमारी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। अगले साल 2019 में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर हर कोई तैयारियां कर रहा है, और इन तैयारियों के क्रम में सर सुंदरलाल अस्पताल यानी BHU ने भी अपनी एक विशेष तैयारी की है। यहाँ के MS द्वारा यहाँ पर जो अलग अलग देशों से आने वाले प्रतिनिधि हैं, उनके लिए 2 स्पेशल वार्ड रिजर्व कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी खतरनाक बीमारी या फिर किसी अन्य छोटी मोटी बीमारियों से निपटने के लिए प्रवासी भारतीयों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके। गोपाल मिश्र, ETV वाराणसी।